मित्रों, रावण की महानता और क्रूरता की चर्चा लोग आज भी करते हैं। वो अपनी बुद्धि और बल को लेकर प्रसिद्ध था क्योंकि उसे बहुत सी बातों का ज्ञान था। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब रावण इतना ही ज्ञानी था तो क्या उसे पहले से ही पता था कि वह श्री राम के हाथों मारा जाएगा? तो चलिए मित्रों, मिलकर जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका। एक बार फिर ये बात है उस समय की जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे और देवी सीता को खोजते खोजते रावण के भाई विभीषण के महल में जा पहुंचे। विभीषण के महल पर वह अपने प्रभु श्री राम का चिन्ह अंकित देखकर बहुत खुश हो गए और वहां उनकी भेंट विभीषण से हुई। फिर जब विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं तो इस पर हनुमान जी खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। फिर दोनों के बीच लंबा संवाद होता है और बजरंग बली जी समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति काम का है। वह विभीषण को प्रभु श्री राम से मिलाने का वचन देते हैं। इसके बाद हनुमान जी का सामना लंकिनी और बाकी अन्य राक्षसों से होता है, जिनका वध करके वह आगे बढ़ते हैं। फिर वह देवी सीता की खोज करते हुए रावण के महल में जा पहुंचते हैं, जहां रावण सो रहा था। आगे वह खोज करते हुए अशोक वाटिका में दाखिल होते हैं, जहां उनकी भेंट माता जानकी से होती है और वह उन्हें श्रीराम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि प्रभु जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। फिर माता सीता से आज्ञा पाकर बजरंग बली जी बगीचे में घुस जाते हैं और फल तोड़कर खाने लगते हैं। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत फल खाए और कई पेड़ों को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वहां बहुत से राक्षस आए, लेकिन हनुमान जी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। इतना सुनते ही लंकापति रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जिसके बाद वह असंख्य योद्धाओं को साथ लेकर बजरंग बली को मारने के लिए चल पड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर पवन पुत्र ने एक वृक्ष हाथ में लिया और बहुत जोर से दहाड़। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ साथ सभी योद्धाओं पर धावा बोल दिया। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ और उसी युद्ध में अक्षय कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को वहां भेजा। रावण ने उससे कहा कि उस पापी को मारना नहीं, उसे बांधकर मेरे सामने लाना। आखिर मैं भी तो देखूं कि उस आम से वानर में इतनी शक्ति आई कहां से। इसके बाद हनुमान जी और रावण पुत्र मेघनाद के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में मेघनाद तुरंत ही समझ गया कि ये कोई आम वानर नहीं, तो उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र आते देख बजरंग बली जी के मन में विचार आया कि अगर ब्रह्मास्त्र को मैंने भी नहीं माना तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी और ब्रह्मदेव का अपमान होगा। तब ब्रह्म बाण से मूर्छित होकर पवन पुत्र वृक्ष से नीचे गिर पड़े। फिर जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर रावण के महल में ले गए। बंधक हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और फिर उन्होंने स्वयं ही अपनी पूंछ से अपने लिए एक आसन बना लिया और उस पर विराजमान हो गए। इसके बाद रावण ने क्रोधित स्वर में बोला, हे दुष्ट वानर, तूने किस अपराध के लिए राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा का ज्ञान नहीं? तू कोई आम वानर नहीं है। तूने मेरे शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार को मृत्यु की नींद सुला दिया। तब हनुमान जी अपने प्रभु राम की महिमा का वर्णन करने लगे और रावण को अपनी गलती मानकर राम जी की शरण में जाने की शिक्षा देने लगे। रावण हनुमान जी की बात सुनकर आग बबूला हो गया और हवा के वेग को देखकर कहने लगा, अच्छा, मैं अब समझा कि तुम वायु के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है। अगर तेरा राम कोई साधारण व्यक्ति होगा तो मैं सीता को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसे मार डालूंगा, लेकिन अगर वह कोई भगवान या फिर देव है तो मैं उसके हाथों मरकर मोक्ष ही प्राप्त करूंगा। इतना ही नहीं, रावण ने फिर क्रोधित होकर कहा कि जिस पूंछ के बल पर यह बैठा हुआ है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तो राम भी यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर अपनी पूंछ को जलता हुआ देखकर संकट मोचन हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे आकार में बदल गए। बंधन से निकलकर वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशाल काय रूप धारण किया और रावण का मजाक उड़ाते हुए रावण की सोने की लंका जलाने लगे। चारों तरफ फैलती आग देखकर सभी लंकावासी डर गए।
देखते ही देखते लंका धू धू करके जलने लगी और सभी लंकावासी त्राहिमाम करने लगे। मित्रों, बजरंगबली जी ने एक ही पल में सारा नगर जला डाला। उन्होंने बस विभीषण का घर नहीं जलाया, फिर सारी लंका जलाने के बाद वह समुद्र में कूद पड़े और पुनः उससे बाहर निकल आए। फिर अपनी पूंछ की आग बुझाकर छोटा सा रूप धारण कर बजरंग बली जी माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांग कर इस पार आ गए, जहां उन्होंने राम जी और वानर सेना को पूरी बात बताई। तो मित्रों, आज की इस कथा से आप भी समझ गए होंगे कि क्या रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।